हाल लुआया मैं सुनील यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है लिसन टू हिम उसको सुनना और इस डिवाइन डायरेक्शन में हम जानेंगे कि हमें किसको सुनना है और किसको नहीं और सुनने के ताल्लुक़ से हम बड़ी डिटेल के साथ जो हैं वो जानेंगे कि हमारी ज़िंदगी में सुनना जो है वो कितनी अहमियत रखता है और इसके लिए हम चंद हवाला जात देखेंगे पहला हवाला हम अमाल की किताब उसका तीसरा बाप और उसकी बाईसवीं आयत से पढ़ेंगे एक्ट्स चैप्टर थ्री वर्स ट्वेंटी टू चुनाचा मुस्ा ने कहा कि खुदा उन खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझा एक नबी पैदा करेगा जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना और यूँ होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो व नाबूद कर दिया जाएगा एक और हवाला हम इस्तिस्ना की किताब में से उसका अठारहवं बाब और उसकी पंद्रहवीं आयत से हम देखेंगे ड्यूट्रोनोमी चैप्टर एटीन वर्स फिफ्टीन खुदा तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियन से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानित एक नबी भरपा करेगा तुम उसकी सुनना और इसी तरह हम एक और हवाला देखेंगे मती की अंजील उसका सतरवा बाब और उसकी आयत से वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नुरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ इसकी सुनो आमीन। और आज की डिवाइन डायरेक्शन लिसन टू हिम उसको सुनना और इस डिवाइन डायरेक्शन में मैं आज आपको एक नई डायरेक्शन दूंगा जो सुनने के ताल्लुक से जिसमें हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमें किसके कलाम को सुनना है किस की बातों पर अपने कान को लगाना है और किसके बातों पर अपने कान को नहीं लगाना और सुनना इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल है इंसान सुनता है तो वो बोलता है और ये सुनना वो अपने ईयर्स के ज़रिए से कानों के जरिए से जो है वो सुनता है और जब हम सुनने की बात करते हैं तो खुदा ने इंसान को फाइव सेंसेस दी हुई हैं उन सेंसेस में एक जो सेंस है वो सुनना है और पांचों की पांचों सेंसेस इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी सेंस काम नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो एक एबनॉर्मल शख्स है और जब सुनने के ताल्लुक से हम बात करने जा रहे हैं तो इंसान सुनता है तो वो बोलता है और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल कहती है कि जो शख्स सुनता नहीं वो बोल भी नहीं सकता यानी एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बोल नहीं सकता लेकिन वो सुन सकता है और वो अपने मां बाप की अपने कारब की आवाज़ को सुनता है उनकी लैंग्वेज को सुनता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बोलना शुरू कर देता है यानी वो सुनता है और फिर वही जुबान को वो फॉलो करता है अगर उर्दू बोलने वाले हैं तो वो बच्चा उर्दू बोलेगा अगर इंग्लिश बोलने वाले हैं तो वो बच्चा जो है वो इंग्लिश बोलेगा यानी वो सुनता है उस जुबान को और फिर उसी जुबान को वो अडोप्ट करता है और बोलना शुरू कर देता है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई बच्चा पैदाइशी बहरा है तो वो गूंगा भी होगा क्योंकि वो सुन नहीं सकता तो वो कैसे बोलेगा उसे कैसे पता चलेगा कि उसके मां बाप की जुबान जो है वो कौन सी है उनके अल्फाज कौन से वो क्या बातें कर रहे हैं तो चूंकि वो बहरा है वो डेफ है इसलिए वो नहीं बोलेगा वो गूंगा भी होगा यानी बहरा शख्स जो है वो गूंगा जरूर होगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और आज जब हम सुनने के ताल्लुक से बात कर रहे हैं और जो हवाला जात हमने पढ़े उन हवाला जात को मद्देनजर रखते हुए दो लफ्ज जो हैं उनको हम फॉलो करेंगे एक ग्रीक और एक हिब्रू। इन दोनों लफ्जों के जरिए से हम आज सुनने के ताल्लुक से के सुनना मायनी को निकालेंगे और उनको फिर आगे हम अप्लाई करेंगे कि किस तरह से हमें उन अल्फाजों को जो है वो फॉलो करना है किस तरह हम उनके मीनिंग्स जो है वो समझ सकते हैं और जो अमाल की किताब में से हमने हवाला पढ़ा उस हवाले से जो ग्रीक वर्ड जो हमें मिलता है वो है एक्वो जिसका मतलब है टू हीर नो डेफ टू अंडरस्टैंड टू गिव ईयर टू टीचिंग और टू टीचर टू लर्न यानी यूनानी जुबान के लफ्स से जो हमें मीनिंग्स मिलते हैं वो हैं सुनना सीखना समझना और अपने कानों को तालीम की तरफ मायल करना या अपने कानों को उस उस्ताद की तरफ फेर लेना या अपने कानों को उस उस्ताद को दे देना जो तालीम देता यानी तालीम सीखने के लिए तालीम हासिल करने के लिए अपने कानों को जो है वो उस तालीम की तरफ फेर लेना जिसको कान हासिल करना चाहते हैं ये सुनना है और हिब्रू वर्ड में इब्रानी में जो इसका मतलब निकलता है और जो इब्रानी में हमें लफ्ज मिलता है वो है शामा और शामा का जो मतलब है इसका मतलब है टू हीर यानी इसका मतलब भी सुनना है लेकिन इस लफ्स को जब हम डेप्थ में देखते हैं तो इसमें हमें एक और मतलब भी मिलता है वो है ओबे अमल करना हुक्मों को मानना और टू अंडरस्टैंड समझना यानी इन दोनों लफ्जों के जरिए से एक्वो और शामा इनसे जो हमें मतलब मिलता है वो ये है कि सुनने का मतलब है सुनना तालीम को समझना उसको हासिल करना अपने कानों को तालीम की तरफ मायल करना और शामा से जो वर्ड निकला है वो है ओबे हुक्मों को मानना हुक्मों पर अमल करना ये सुनना है और हम देखते हैं कि बाज मां बाप अपने बच्चों को कहते हैं या दूसरों को बताते हैं कि मेरा बच्चा मेरी सुनता है या मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता है। तो इसका क्या मतलब है या उनके कान नहीं है या उनके कान बंद है या वो बहरे हैं हर मतलब है कान तो हैं, लेकिन वो बच्चे जो है अपने मां बाप के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं उनको ओबे कर रहे हैं और जो कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं सुनता इसका मतलब है के बच्चे अपने मां बाप के ताबेदारी के अंदर नहीं है वो उनके हुक्मों पर अमल नहीं करते यानी आज जो सुनने के तालुक से मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ताबेदारी के तालुक से है यानी उसकी सुनना का मतलब है उसकी ताबेदारी करना लिसन टू हिम उसकी सुनना यानी उसके हुक्मों पर अमल करना जो है आज की डिवाइन डायरेक्शन है और यकीन आप आज की डिवाइन डायरेक्शन के वसीला से सीखेंगे आप समझेंगे कि हमें किस तरह से सुनना है और किसके कलाम को किसकी बातों को सुनना है और दुनिया में जब हम देखते हैं तो कलाम जो है या बातें जो हैं अल्फाज वो तीन किस्म के हैं एक खुदा के अल्फाज एक खुदा का कलाम एक हमारी अपनी जात की आवाजें अपनी जात की आवाज अपनी, अपनी जात के कलाम, इंसानी बातें इंसानी आवाज़ से, और जो तीसरा है वो है अबलीस की आवाज उसकी बातें यानी इन तीनों चीजों में अगर हमारे ईयर्स हैं कान है तो हमें आज इम्तियाज करना है कि हमें किसकी बातों पर किसकी आवाज पर अपने कानों को लगाना है और किसकी बातों पर कान लगाकर जो है वो ताबेदारी करनी है या हमें खुदा की आवाज को सुनना या हमें अबलीस की आवाज को सुनना है और फिर उसी आवाज को वो फॉलो करता है अगर हमारे कान रूहानी खुले हुए होंगे तो फिर ही हम रूहानी तौर पर आवाज़ों को जो है वो सुन सकते हैं और हमारी जिंदगी में इस दुनिया में जो है हर इंसान जो है वो आवाज़ों की गर्दिश में है उसके चौगिर्द कई तरह की आवाज़ें पाई जाती हैं वो आवाजों को सुनता है उन आवाजों में खुदा की आवाज है इंसान की अपनी आवाज है और अबलीस की आवाज है लेकिन उस इंसान को पिक करना है उसके कानों को पिक करना है कि उसको किसकी आवाज को अपने कानों में लेना है खुदा की आवाज को लेना है इंसानी अपनी आवाज को लेना है या अबलीस की यह उस वक्त होगा जब वो इम्तियाज करने वाला होगा और बास को कहते हैं कि ये एक एकांत से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है इसका मतलब है कि वो तवज्जो ही नहीं बातों पर कर रहा वो अपने मां बाप की अपने उस्ताद की या अपने किसी भी अजीज बातों पर जो है वो तवज्जो नहीं कर रहा अनसुनी कर रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो सुन नहीं रहा उसको इन बातों से जो है वो कोई सरोकार नहीं है ये सारा सुनने के तालुक से कानों के ताल्लुक से और बहरे लोग जो है वो नहीं सुन पाते रूहानी बहरे वो रूहानी बातों को सुन नहीं सकते रूहानी शख्स जो उदाम यूसु मसीह के के कलाम के मुताबिक एक बहरा है वो रूहानी तौर पर घूंगा भी होगा यानी जो शख्स खुदा के कलाम के लिहाज से बहरा है वो कलाम को नहीं सुनता वो रूहानी तौर पर गूंगा भी होगा वो खुदा के कलाम को भी नहीं बोल सकता तो जो बात हम ने हवाला जात में पढ़ी, कि पतरस रसूल जो है अपने दूसरे वास में जो वो हैकल में खड़ा होकर यहूदियों से कर रहा था और यीशु मसीह की खुशखबरी उनको सुना रहा था और उनको तोबा की तरफ माइल कर रहा था उनको यह कलाम सुना रहा था कि यस्ु मसीह पर ईमान लेकर आओ तोबा करो और अपने गुनाहों से निजात पाओ वह बड़ी दिलेरी के साथ हैकल में दूसरा वाज सुना रहा था पहला वाज उसने यहूदियों की ईद पैद के दिन सुनाया और तीन हजार रूहों को बचाया और दूसरा वाज उसने हैकल में सुनाया जब उसने जन्म के लंगड़े को खूबसूरत दरवाजे पर हील किया और फिर वो हैकल में गया और वहां पर उसने दुआ की और उस लंगड़े के जो बहुत से लोग उसको देख रहे थे खड़े हो गए और पतरस वहां पर खड़ा हुआ और उसने खुशखबरी सुनानी शुरू कर दी सु मसीह का प्रचार करना शुरू कर दिया यहूदियों के दरमियान और उसने यहूदियों को यसु मसीह की तरफ माइल करने के लिए उसने कहा कि यह वो नबी है जिसका जिक्र मूसा ने कहा है और उसने इस तृष्णा की किताब में से जो हवाला हमने पढ़ा मूसा का उसको कोड किया उसको कहा उनको कहा कि ये वही नबी है जिसका जिक्र मूसा ने किया है कि खुदा मेरी मानिद कौम में से तुम भाइयों के दरम्यान से एक नबी पैदा करेगा तुम उसकी सुनना उसकी और साथ में कहा कि अगर कोई उसकी नहीं सुनेगा तो वो नेस्त और नबूद कर दिया जाएगा यानी पत्रस इसराइल कौम को मूसा की बात को जो है वो बताता है क्योंकि यहूदी लोग शरीयत से बखूबी वाकिफ थे और मूसा की इज्जत उनके दरमियान में बड़ी थी क्योंकि वो खुदा का नबी हुआ था और उसने इसराइल को जो था वो मिस्र की गुलामी से आजाद किया था और वो बड़ी रिस्पेक्ट देते थे तो उन्होंने अपने कानों को पतरस की तरफ लगाया कि ये क्या बात कर रहा है ये मूसा के ताल्लुक से क्या कह रहा है तो पतरस ने कहा कि मूसा कहता है कि खुदा मेरी मानिद तुम भाइयों में से एक नबी पैदा करेगा तुम उसकी सुनना और ये बात मूसा इस्तिशना की किताब में करता है क्योंकि इस्तिशना की किताब में वो दोबारा शरीयत को जो है वो इसराइल कौम को वो सुना रहा है क्योंकि उस वक्त उसका मरने का वक्त जो था वो नजदीक था वो इस जहान से कूच कर रहा था मर रहा था मरने को था तो उसने एक मरतबा फिर इस तिसना की किताब के जरिया से इसराइलियों को गाइड किया कि अब मैं जा रहा हूं तो मेरे बाद तुम्हें किसकी सुनना है और मूसा ने कहा कि जिन कौमों के तुम वारिश हो गए जिस मुलक में तुम जा रहे हो उस मुलक की कौमे जो है वो जादूगर है वो शगुन निकालने वाली वो फालगिर है वो बुतपरस्ती करती जिननाथ के आशना उनके हैं और वो बुद्ध प्रस्ती करती हैं जादूगरी करती हैं, फाल गिरी करती हैं और शगुन निकालती हैं। यानी उन्होंने अपने कान इन चीजों की तरफ माइल किए हुए हैं और मूसा ने कहा कि वो शगुन निकालती हैं और गिरी करती हैं और उनकी आवाजों को सुनती यानी वो शगुन की तरफ माइल उन्होंने अपने कान किए हुए हैं फाल घिरों की वो सुनती है जादूगरों की वो सुनती है कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है लेकिन तुम हरगिज़ ऐसा ना करना बल्कि तुम उसकी सुनना जो मेरी मानित है और उनको निशान दिया कि वो जो मेरी मानित है वो नबी जब आएगा जब पैदा होगा तो तुम उसकी सुनना वो नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहेगा बल्कि खुदा अपना कलाम उसके मुंह के अंदर रखेगा और वो अपनी नहीं बल्कि खुदा की कहेगा और तुम उसकी सुनना अगर कोई शख्स उस नबी की नहीं सुनेगा तो वो ने नबुद और हलाक किया जाएगा मूसा ने उनको बताया जिन मुल्कों में तुम जाने वाले हो जिस मुल्क के तुम वारिस हो गए सब जादूगर हैं वो सब, है, सब शगुन निकालने वाले और फालकीर हैं तुम उनकी तरह उनकी बुतप्रस्ती को उनके बुतों को ना सुनना उनकी तरफ अपने कानों को ना लगाना बल्कि उस नबी की जो मेरी मानिद है उसकी सुनना और क्योंकि वो अपनी तरफ से नहीं बल्कि खुदा के कलाम को उसी तरह तुम्हें बताएगा जिस तरह खुदा ने अपने कलाम को उसके मुंह में रखा होगा वो अपनी बात नहीं करेगा बल्कि वही कलाम तुमसे करेगा वही बात को तुमसे कहेगा जो खुदा ने उसको कहने को कहा होगा यानी उनको हदायत की मूसा ने डिवाइन डायरेक्शन दी कि किसी आवाज को किसी कलाम को सुनने की नहीं तुम्हें जरूरत जो कलाम जिन चीजों की तरफ गैर कौमें मायल होती हैं तुम मायल ना होना बल्कि उस नबी की तरफ माइल होना उस नबी की तरफ अपने कानों को मायल करना उस कलाम की तरफ जो नबी तुमसे कहेगा उसकी तरफ और आज मॉडर्न दौर में हम देखते हैं कि आज मॉडर्न शगुन निकालने वाले मॉडर्न एज में मॉडर्न चीजें अब्लीस ने तशकील दी हुई है फेसबुक पर हमें जादूगर हमें फालगिर और हमें शगुन निकालने वाले मिलते हैं ट्विटर पर यूट्यूब पर ऐसे लोग पाए जाते हैं और अब्लीस ने सोशल मीडिया के जरिया से इन चीजों को आम किया हुआ है लेकिन लोग उसको उस अंदाज से नहीं देखते अबलीस उनके कानों को माइल करता है उनके जहनों को उनकी जिंदगी को उन चीजों की तरफ माइल करता है ताकि वो उन चीजों को सुने माइल हो और गुनाह में वो धसते चले जाएं। लोग जानना चाहते हैं लोग सुनना चाहते हैं आज के कि आज का दिन उनके लिए कैसा होगा कल उनके लिए कैसा होगा और फेसबुक पर ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके जरिए से लोग अपने आज के दिन को अपने कल के दिन को जो है वो मालूम कर रहे हैं और हॉरोस्कोप को जानना चाहते हैं स्टार्स को जानना चाहते हैं कि आज किस तरह उनकी जिंदगी में चीजें होंगी ये सब उस पीरियड की तरह है जिसमें मूसा जिंदा था जिसकी मूसा ने बनी इसराइल को ताकीद की कि उन चीजों की ना सुनना और बल्कि मेरी मानित एक नबी खुदा पैदा करेगा निशान दिया कि मेरी मानित बहुत से इसराइल के अंदर नबी आए ये साया यर मिया दानियल नबी मिका नबी और बहुत से नबी बनी इसराइल के अंदर आए नाता नबी बहुत से नबी आए लेकिन मूसा ने उनको निशान दिया कि मेरी मानित यानी वो भी नबी खुदा का कलाम लेकर आए उन्होंने भी जो था वो खुदा के कलाम को लोगों को तक पहुंचाया लेकिन मूसा ने कहा कि मेरी मानिद यानी जिस तरह मूसा था मूसा की मानद किस तरह यानी मूसा क्या था क्या मूसा उन नबियों से हटकर था जी मूसा उन नबियों से हटकर था क्योंकि मूसा जो था वो बनी इसराइल के लिए शरीयत को देने वाला था वो खुदा की शरीयत को इसराइल के अंदर लाने वाला था वो ला गिवर था जिसने खुदा की शरीयत को इसराइल के अंदर वो लेकर आया उसकी तालीम दी ताकि लोग खुदा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके उसने इसराइल को मुल्क मिस्र से नजात दी उस उसकी गुलामी से छुटकारा दिया वो नबियों से भी बढ़कर था। यह बात खुदा ने की नबी नबी नबियों से मैं ख्वाबों और रोया में बात करता हूं यानी कि नबी की यह डेफिनेशन कि नबी वो है जिसके साथ खुदा ख्वाब रोया में बात करे ये बात खुदा ने कही कि मूसा मूसा तो नबियों से भी फट है ये तो इससे तो मैं रू बरू बातें करता हूं नबियों से मैं ख्वाब और रोया में करता हूं लेकिन मूसा से मैं रू बरू बात करता हूं और मूसा ने कहा मेरी मानित, यानी वो नबी इसी तरह मेरी मानित होगा और ये नबी बाइबल नए में एहदाम मसीह को कहा गया है और नबी खुदा का स्पोक्स मैन होता है जो खुदा की बात को लोगों तक पहुंचाता है अपनी सी वो नहीं कहता और जब यसु मसीह की जिंदगी को हम देखते हैं। और पत्र रसूल इसको इस बात को बयान करता है कि ये नबी यसु मसीह है तो यसु मसीह की जात के अंदर हम मूसा की चीजों को जो है वो देखेंगे वो कैसे मूसा की मानित है मूसा शरीयत को लेकर आया याद रखें खुदावन यसु मसीह जो है वो फजल का लाने वाला है मूसा मिस्र से जो था वो इसराइल को लेकर आया मिस्र की गुलामी से नजात दी मिस्र की गुलामी से छुटकारा दिया और जो मसीह है जो नबी है उसने हमें रूहानी तौर पर मिस्र की गुलामी से गुनाह के घर से जो है वो नजात दी है मूसा ने उनको फिर उनसे नजात दी लेकिन खुदावन यस्सु मसीह ने जो फिराउन का भी बाप था अबलीस जो इस दुनिया का बादशाह था उसके हाथों से हमें छुड़ाया है खुदा से रू बरू बातें करता था जब वो शरीयत को लेकर गया जब खुदा उसको दिखाई दिया उसने खुदा का जलाल देखा लेकिन यस्सु मसीह जो अजुल से बाप के साथ था जो अजल से बाप के रू बरू बातें करने वाला था और जो इस दुनिया में आया और जो अजल तक बाप के साथ रहेगा और बाप के रू बरू होकर उससे बातें करेगा यानी जो ये नबी है ये मूसा की मानित है लेकिन मूसा से भी बड़ा है मूसा तो रू बरू उसके बातें करता था उसके कलाम को सुनता था उसकी आवाज को को की तरफ अपने कानों को लगाता था रू बरू और उसकी ताबेदारी करता था लेकिन ये जो नबी है ये बाप की जात के अंदर से जो है ये निकला है इसके अंदर किसी किस्म का गुना नहीं किसी किस्म की सरकशी नहीं मूसा ने सरकशी की चट्टान के ऊपर जब उसने दो मर्तबा लाठी मारी लेकिन इस नबी की जात के अंदर किसी किस्म की कोई सरकशी नहीं है ये सरासर बाप की ताबेदारी के अंदर है और इसने वही कुछ बात की है वही कुछ कहा है जो बाप ने उसको कहा मूसा से भी बड़ा मूसा ने जिस्मानी मिस्र से रुहाई दी यूसुम सि ने रूहानी मिस्र गुना के घर से हमें पूरी दुनिया को जो है वो नचात बख्शी है और मूसा ने कहा मेरी मानित यानी इसकी सुनो और पत्रस कहता है कि ये जो नबी जिसका तुम इंतजार कर रहे हो ये आ चुका है और ये यीशु मसीह है यीशु मसीह को नबी कहा गया और यीशु मसीह नबी भी था बादशाह भी था और सरदार काहिन और जबूर में आया है उसने मुझे मेरे हमसरों से ज्यादा मसा किया यानी पिछले जो पुराना अहदामा था उसमें एक शख्स के पास एक ही नेमत होती थी एक ही खिदमत होती ही थी या वो नबी होता या बादशाह और या वो काहिन होता लेकिन यस्ु मसीह की जात के अंदर जब हम देखते हैं कि उसको उसके हम सरों से ज्यादा मसा दिया यानी उसकी जात के अंदर ये तीनों खिदमतें मौजूद थी यानी वो नबी भी था वो बादशाह भी था और वह काहन बल्कि सरदार काहिन था और पत्रस कहता है ये वो नबी है और इसराइल के अंदर जब खुदा यु मसीह आया तो उसको इसराइल के लोगों ने नबी के तौर पर जाना और लोग कहते थे कि ये नबी है लोग पूछते थे ये कौन है तो वो बताते थे ये नबी है सामरी औरत जिसको सामरिया में कुएं के ऊपर मिला जब उसका हाल बयान किया साम्री औरत का तो उसको उसने कहा कि तुम मुझे कोई नबी सा मालूम होता है जब उसकी बातचीत हुई जब खुदा ने उसके हाल को बताया वो ईमान ले आई और वो गई शहर के लोगों के पास गांव के लोगों के पास उसने कहा कि मुझे ख्रिस्तुस मिल गया है यानी जो नबी की मानित होगा वही ख्रिस्तुस, यानी मसाया होगा वही इसराइल का छुटकारा देने वाला होगा और यसु मसीह यरूशलम के अंदर शाहना जलूस के साथ दाखिल हुआ लोग हैरान थे लोग परेशान थे कि ये कौन है और कहते थे ये कौन है तो लोगों ने जो उसके शागि थे जो उसके मानने वाले थे वो बताते थे कि ये नासरत का नबी है और जब फिलपस नतनीयल के पास आया और यीशु मसीह का वो शगिर्द बन गया था और अब वो अपने दोस्त नतनीयल को भी उदाम यूसु मसीह के पास लेकर आना चाहता था कि वो भी उसका शगिर्द बने तो उसने फिल्पस ने नतनील को कहा कि मुझे वो मिल गया है जिसका जिक्र ने और अंबिया ने जो है वो शरीय में जो तरैत में और पुराने अहदामा के अंदर जो है वो किया है नबियों के सहीपों में जो उन्होंने नबो जिसके तालुक से की है वह नबी हमें मिल गया है यानी जिसका जिक्र मूसा ने तरैत में किया अंबिया ने साहिफों में किया वो नबी हमें मिल गया है और यीशु मसीह ने भी अपने आप को ये साबित किया कि वो नबी है किस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो कलाम तुमसे कहता हूं मैं जो कलाम तुमसे करता हूं ये मेरा अपना नहीं है बल्कि बाप का है यानी बाप की बातों को जो मैंने सुनी है वही कुछ तुम्हें बताता हूं जो बाप ने मेरे मुंह पर रखा है वही कलाम मैं तुमसे कहता हूं कोई ऐसी बात मैं अपने तौर पर अपनी बात को तुमसे नहीं कहता बल्कि जो बाप कहता है वही मैं कहता हूं और यही बात मूसा ने कही कि खुदा उसके मुंह के अंदर उसके मुंह पर अपना कलाम रखेगा अपने कलाम को डालेगा और वो वही कुछ कहेगा जो खुदा उससे कहेगा और युस मसीह ने भी साबित किया कि वो नबी है इस बात को प्रूफ किया कि खुदा जिसने उसके मुंह के अंदर कलाम रखा है वो उसी की बातें जो है वो कहता है जो उसने सुना है जो वो सुनता है वो कहता है यानी बेटा बाप की ताबेदारी के अंदर हमें नजर आता है बेटा बाप को सुनने वाला हमें दिखाई देता है ताबेदारी के अंदर सुनना गोया खुदा के हुक्मों पर अमल करना और उससे मोहब्बत करना और यस्सुमसी ने यह कहा कि जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है यानी वो मेरे हुक्मों को सुनता है वो दारी मुझे ओबे करता है और जिस तरह मैंने खुदा से बाप से मोहब्बत की और उसके हुक्मों पर अमल किया भी यह साबित करता है कि वो नबी के तौर पर इसराइल को छुड़ाने आया और पतरस कहता है यह वही नबी है जो कोई उसकी सुनेगा वो जिंदगी पाएगा जो इस नबी की नहीं सुनेगा वो उम्मत में से नेस्तो नबूत कर दिया जाएगा यानी इसराइल को कहा वो इसराइल की कौम से नबूद कर दिया जाएगा मूसा ने यह बात की खुदा मसीह से तकरीबन साल पहले के नबी आएगा और मूसा की मौत के बाद तकरीबन चौदह सौ साल के बाद वो नबी यानी मसीह पैदा हुआ जिसकी गवाही जो है वो पत्र दे रहा है कि अगर इस नबी की जो मूसा की मानिद बल्कि मूसा से भी बड़ा है ग्रेटर अगर कोई उसकी नहीं सुनेगा यानी ये ये मसीह, अगर तुम यस्सु मसीह की नहीं सुनोगे तो तुम हलाक होगे, तुम्हें खुदा नेस्त और नाबूद कर देगा यह बात पत्रस ने कही और खुदा युसु मसीह इसराइल के अंदर आया और उसने पाप के कलाम को सुनाना शुरू किया वो अपनी तरफ से जिस तरह उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कहता उसने बाप के कलाम को उसकी बातों को लो, लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया यरूशलेम के अंदर, यहूदिया, गलील के अंदर वो सारे इसराइल के गलियों में वो कलाम बाप का सुनाता हुआ वो फिरता चला गया लेकिन किसी ने उसके कलाम पर अपने कान नहीं धरे किसी ने शगदों के अलावा इसराइल की मेजोरिटी ने फकी ने अपने कानों को उसकी तरफ नहीं लगाया वो रूहानी तौर पर बहरे थे उन्होंने रूहानी तौर पर उनके उन्होंने अंडरस्टैंड ना कर पाए कि ये कलाम किसका है बल्कि उन्होंने रूहानी तौर पर अपने कानों को अबलीस की तरफ लगाया और अबलीस की बातों को सुना और खुदाउन यसु मसीह से दूरी रखी वो रूहानी पहरे रूहानी गुंगे थे जिनके कान खुदाउन यस्सु मसीह की तालीम ना सुनने से जो थे वो बंद थे यानी कि उन्होंने कान नहीं धरे उन्होंने ना चाहा कि वो अपने कान खोलें और यसु मसीह की तालीम को सुने बल्कि उन्होंने अब्लीस की सुनी। यसु मसीह की तालीम से अपने आप को बहरा किया और अपने कान अब्लीस की तरफ लगाए और उसके पीछे चले अगर हम अपने कानों को यस्सु की तरफ लगाएंगे अपने कान यस्सु को दे देंगे तो फिर हमारी जिंदगी में यस्सु की तालीम और उसकी ताबेदारी होगी यसु मसीह ने मनादी की लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी और फिर वो यरूशलम पर रोया चलाया कि यरूशलम उसकी तालीम पर ईमान लेकर नहीं आया यरूशलम ने अपने कान नहीं लगाए उसकी तरफ माइल नहीं किए वो रोया वो चलाया कि काश आज के दिन यरूशलम सलामती की बातों को जानता लेकिन वो उससे आज छुप गई है और फिर यसु मसी ने अदालत उनकी की के तेरे दुश्मन तेरे गिर्द तेरे जो गिर्द मोर्चा बांधेंगे वो तुझे और तेरे बच्चों को जमीन पर पटकेंगे यानी तुमने मेरी नहीं सुनी तुमने मेरे कलाम पर कान नहीं लगाए तुम बहरे हो गए और मेरी तालीम से फिर गए नहीं कान लगाए मेरी बातें मेरी नहीं थी ये खुदा की बातें थी ये बातें तुमने सुनना ना चाहिए और अब जो तुम रूहानी तौर पर बहरे हो इसलिए तुम पर मैं अदालत करता हूं किमे तुम तुम पर चढ़ाई करेगी मोर्चे बांधेगी और कतलो गारत वो करेंगी तुम्हें कत्ल करेंगे तुम्हें नये करेंगे तुम्हें नबूद करेंगे और तेरे बच्चों को भी वो कत्ल करेंगे यानी उन्होंने उस नबी की ना सुनी और जब खुदाउन के बाद सत्तर एडी में जो था वो इसराइल यरूशलम वो तबाह बर्बाद कर दी रोम ने तीतस जो रोम का जर्नल था वो चढ़ाया इसराइल के ऊपर यरूशलम पर उसने चढ़ाई की मोर्चे बांधे उसके चौगिर्द और उसने यरूशलेम की दीवारों को हैकल को सबको आग लगा दी तबाह बर्बाद की कर दिया और लोगों को कत्ल किया और तकरीबन 1.1 मिलियन यहूदी उस जंग के अंदर जो थे वो कत्ल कर दिए गए ये क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उस नबी की जो मोजिस की मानित था यस्सु मसीह जो मोजिस से भी बड़ा था उसकी ना सुनी और खुदा ने उनको सत्तर एडी में नेस्त और नबूद कर दी लेकिन उस जंग के अंदर उस लड़ाई के अंदर जब रोम की हुकूमत ने जब तीतस ने यह सारा कत्लोगारत की यरूशलम को तबाह बर्बाद किया हैकल को जदा जला डाला उस जंग के अंदर एक मसीही भी एक यस्सु मसीह का शगिद भी शहीद या कत्ल नहीं हुआ रोम के हाथों में क्योंकि वो यस्सु मसीह के सुनने वाले थे ताबेदारी में थे वो कलाम पर अमल करते थे और यसु मसीह ने उनको पहले ही बता दिया था कि जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों को भाग जाए जो यरूशलम के अंदर हो वो बाहर चला जाए जो देहात में गांव के अंदर हो वो शहर को ना भागे जो छतों के ऊपर हैं वो नीचे ना आए तो इस तरह एडवाइस उनको पहले ही दे दी थी शागिर्दों को जिन्होंने यीशु मसीह की तालीम पर अपने कान लगाए हुए थे उन्होंने उस एडवाइस को मद्देनजर रखा और जब यरूशलेम पर रोम ने चढ़ाई की तो उसके अंदर उसके शगिर्दों को पता था कि उनको क्या करना है और एक शगिर्द एक मसीही भी जिसने यीशु मसीह की तालीम पर अपने कान लगाए हुए थे जिसने यीशु को सुना एक भी मसीही उसमें कत्ल नहीं हुआ यानी यह कत्लो गत इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उस नबी को नहीं सुना उसकी बातों पर अमल नहीं किया जिसका हुक्म मूसा ने दिया कि अगर तुम उसकी नहीं सुनोगे तो नेस्तो नबूद हो गए और मूसा ने उनको कहा कि उसकी सुनना, मूसा ने उनको ताकीद की लेकिन इसराइल कौम ने मूसा की ताकीद को रिजेक्ट किया और उनका अंजाम यह हुआ कि जब वो नबी आया उसको ना सुना तो हलाक हुए सतरेड़ी के अंदर आज भी जो लोग उदाउंद यसु मसीह को नहीं सुनते उसकी ताबेदारी नहीं करते उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते वो लोग याद रखें वो और नबूद हो जाएंगे अगर कोई कलीसिया में ऐसा शख्स तो वो कलिसिया से और नबूद हो जाएगा खुदा की उम्मत कलीसिया से वो नए और नबूद कर दिया जाएगा क्योंकि वो उस नबी की सुनने वाला नहीं है उसने अपने कानों को बहरा कर रखा है कि वो उसकी तालीम को ना सुने इसी तरह अयूब की किताब में हु कहता है कि खुदा ने उनके कानों को खोल दिया और उनको हुक्म दिया कि वो बदी ना करें अगर वो सुन लेंगे तो इकबाल मंदी में और अपने बर्स जो है वो खुशहाली में बसर करेंगे अगर वो नहीं सुनेंगे अगर वो अपने कानों को फिर बंद करेंगे और उसकी बातों को नहीं सुनेंगे तो वो कलीहू कहता है कि वो उनको तलवार से वो मरेंगे वो इलम की कमी की वजह से हलाक होंगे जो उनके अंदर कलाम को ना सुनने की वजह से जो है वो पैदा हुई है तो हलाकत ये तब आती है जब एक शख्स जो है वो यस्सु मसीह की तालीम को उसके हुक्मों को जो है वो नहीं सुनता यानी यसु मसीह ने भेजा अपने बेटे को और कानों को खोला और अपने बेटे के वसीले से कहा कि बदी ना करे लेकिन उन्होंने ना चाह कि वो जो इकबाल मंदी में अपनी जिंदगी बसर करें खुशहाली में रहें उन्होंने बेटे को रिजेक्ट किया उसके कलाम को और खुदा बाप ने भी उनको तलवार से कत्ल किया सतरेडी के अंदर यानी जो यूसु मसीह की तालीम पर कान नहीं लगाता वही मरता है और जो रूहानी तौर पर जो सुनने वाला है जिसको पता है कि खुदावन युसु मसीह की आवाज कौन सी है उसका कलाम क्या है और उसकी तरफ वो अपने कानों को मायल करता है वो जिंदगी को देखेगा वो बरकत को देखेगा वो तरक्की को देखेगा वो शाद मानी को देखेगा यानी युसु मसीह की बातों को सुनना उस पर अमल करना जो है जिंदगी को हासिल करना है हमेशा की जिंदगी को हासिल करना है और जो कोई नहीं सुनता मसीह की बातों को वो रिजेक्ट करता है यीशु को बाप को रिजेक्ट करता है और बाप भी उसको जो है वो मौत के हवाले कर देता है यीशु मसीह का कलाम सुने इन कानों से अपने रोहानी कानों को खोलें सुने यसु मसीह का कलाम के खुदा का कलाम आप बोलने वाले हो जो कोई सुनता है वो बोलता है जो नहीं सुनता वो बोलता भी नहीं है और वही शख्स हलाकत के अंदर जाएगा और खुदा ने उस ऊंचे पहाड़ पर जहां पर क्राइस्ट अपने तीन शर्गिदों के साथ मौजूद था पत्रस सेहना यकूब उस पहाड़ पर जब मूसा और एलिया से खुदा सुसूमी ने बातें की और पत्रस ने देखा तो पत्रस ने कहा कि अगर तुझे अच्छा मालूम हो तो मैं तीन डेरे बनाऊं एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए तो एक बादल नुरानी छा गया उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है सुनो यानी बाप ने मुहातब उनको किया कि अपनी नहीं वहां पर मोसिस भी था एलिया भी था मूसा शरीयत को लाने वाला था जिसकी इसराइल को कोम सुनते थे एलिया जो था वो रिस्टोर करने वाला था जिसने चीजों को रिस्टोर किया और जब बादल छा गया उन पर और उसमें से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो यानी मोजिस की नहीं या एलिया की नहीं अब बल्कि मेरे बेटे की सुनो क्योंकि यह मेरा प्यारा है प्यारा इसलिए है क्योंकि ये मेरी सुनता है मेरी ताबेदारी करता है और इसने मेरी सुनी और सलीब पर अपनी जान दुनिया के गुनाहों के लिए दे दी ये मेरा प्यारा बेटा है इसकी सुनो स लोगों ने देखा कि बाप भी बेटे को तरजीह दे रहा है कि बेटे की सुनो क्यों क्योंकि बाप ने अपना कलाम जो है वो बेटे के मुंह में रखा है और खुदांद से उन्होंने लाइचा ने उसकी मौत की बाबत बातें की और खुदांद मह जो है उनको रिप्रेजेंट करता है मोजिस जो है ये जो है शरीयत को लाने वाला है सु मसीह फजल को लाने वाला मोसिस ने मिस्र से छुटकारा दिया यसु मसीह ने जो है वो मिस्र से और एलिया की तरह जिस तरह उसने रिस्टोर चीजों को किया यस्सु मसीह ने अपनी जान देकर हमें रिस्टोर किया मीडिएटर बन गया उसने उस रिश्ते को जो इंसान और खुदा का टूटा हुआ था उस रिश्ते को

मुकाशफा की किताब में बारहा आया जिसके कान हो वो सुने जिसके कान हो वो सुने के रूह कलिस से क्या फरमाता है मसीह ने मरकस की अंजील में कहा कि जिसके कान हो वो सुने कान तो सबके थे लेकिन रूहानी कान उनके नहीं थे या वो बहरे थे यानी कि जो रूहानी कान रखता है वही यसु मसीह की बातों को उसकी तालीम को उसकी आवाज को वो सुनता है और सुनकर वो बरकत पाता है और हमें कोड़ी के ताल्लुक से जो है वो पुराने अहदामा में जो है वो एक तालीम मिलती है कि जब एक कोड़ी शख्स अपने कोट से पाक होता था तो शिफा पा जाता था तो वो अपने आप को काहिन के पास लेकर आता था और काहिन उसका जायजा लेता था और जब वो देखता था कि ये मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया है तो एक कुर्बानी जो था वो उसके लिए गुजरानता था बहते हुए पानी दरिया के ऊपर जूफे के साथ और दो परिंदों के साथ और उनके खून को लेकर उसके दहने कान की लो दहने हाथ और दहने पांव के अंगूठों पर लगाना और इस तरह से वो जो था वो पाक करार दिया जाता था यानी कानों पर खून लगाना खून से उसके कानों को पाक करना या उसके दहने हाथ के अंगूठे और दहने पांव के अंगूठे पर खून लगाने का क्या मतलब था यानी उसकी जिंदगी में ये कोड़ इसलिए आया क्योंकि उसने अपने कानों को न पाक किया और उसने बदी के काम किए हाथों से और वो नारास्ते की चाल चला याद रखें कानों का मतलब है कानों का सुनना ताबेदारी के अंदर और काम हाथ से किए जाते हैं और पांव से चला जाता है इंसान पांव से चलता है यानी तेरी जिंदगी में इसलिए कोड़ आया है उस कोड़ी को क्योंकि तूने नाराजगी की चाल चल और गुनाह के काम किए बदी के काम किए तूने और खुदा की शरीयत पर अपने कानों को नहीं धरा बल्कि नापाकी की बातें तूने सुनी तो वो अबलीस की तरफ माइल हुआ और नापाक किया इसलिए ये कोड़ तेरी जिंदगी में जो है वो फूट निकला है यानी कोड़ी गुनाह की वजह से कोड़ी होते थे या इसराइल के अंदर जब कोई गुनाह करता था जब कोई खुदा जब कोई शख्स खुदा की शरीयत से अपने कानों को बागी करता था अपने कानों को बहरा करता था कि वो उस को ना सुने तो कोड़ उनकी जिंदगियों में फूट निकलता था और जब वो पाक किया जाता था तो इन कानों पर उसके हाथ के अंगूठे पर और पांव के अंगूठे पर खून लगाकर पाक किया जाता था यानी अब जो तू पाक हुआ है तेरे कान पाक हुए हैं तेरे हाथ तेरा अंगूठा पाक किया गया है तो इसका मतलब है कि तू अब फर्मा बरदारी की जिंदगी बसर करना उदा की शरीय पर कान लगाना और उस पर अमल करना अब तू अपने हाथों से गुनाह के नहीं बल्कि के काम करना और खुदा की हजूरी में दनाई से की चाल चलना इस वजह से यह खून उनके इन पार्ट्स पर लगाया जाता था और मसा का तेल तेल भी जो था वो कहनों के इन्हीं पार्ट्स पर लगाया जाता था ताके काहिन खुदा की शरीयत को सुनते रहें, उसकी ताबेदारी में जिंदगी बसर करें रहें, के काम करें और हमेशा खुदा की राहों पर चलते रहें। यानी खुदा ने अपना खून बहा दिया हमारी रूह जान पतन को उसने गुनाहों के कोर्ट से पाक कर दिया है उसने हमारे कानों को पाक किया है उसने हमारे हाथों को पाक किया है उसने हमारे पाओं को पाक कर दिया है ताकि जो कान उसने पाक किए हैं अब वो उसके कलाम की सुने ना कि अबलीस की ना कि अपने दिल की आवाज को बल्कि खुदांद यीशु मसीह की आवाज को सुने और उसकी ताबेदारी के अंदर अपनी जिंदगी बसर करें रासबाजी करें रासबाजी के काम करें उसके नाम को जलाल दें रूहों को जीते लोगों को खुदाउन यूसु मसीह के पास लेकर आए और उसकी हजूरी में दनाई की चाल चले दनाई की चाल रासबाजी की चाल है और यह चाल एक शख्स यसु मसीह की बातों को सुनकर जो है वो अपनी जिंदगी में लेकर यह चाल जो है वो चलता है इसलिए जीसो हमारे कान पाक किए गए हैं ताकि हम खुदाउन यूसु मसीह की बातों पर कान लगाएं उसको सुने रू से फरमाता है जिसके कान हो वो सुने रू कलिस से क्या फरमाता है उदाहरण मसीह इसराइल से से क्या उसने फरमाया और आज वो पाक रू के वसीला से कलिसियों से क्या फरमा रहा है ये उसी वक्त होगा जब हमारे कान किए गए होंगे और उसने कर दिए हैं और अभी तक जो गुनाह के कोर्ट के अंदर मुतला है इस शर्मन को सुन रहा है आज उसके लिए डिवाइन डायरेक्शन है कि वो अपनी रूप प्यार बतन को अपने कानों को यीशु के खून से पाक करे और ताबेदारी की जिंदगी बसर करे और हमेशा की जिंदगी पाए और जब हम पालूस रसूल को देखते हैं तो पालूस रसूल ताबी के अंदर चलने वाला था उसने कहा कि मेरी मानित बनो जिस तरह मैं मसीह तो गोया वो खूब बहू जिसको हम कह सकते हैं कि यस्सु मसीह की डिटोकॉपी था यानी यसु मसीह का फॉलोअर उसके कलाम को सुनने वाला और उसी तना उसके नक्शे कदम पर वो चलने वाला था इसलिए वो कहता है कि मेरी मानित यानी कि जो यसु मसीह की मानिद है उसके खादम उनकी सुने क्योंकि वो अपनी कोई बात नहीं करते वो अपने से कोई कलाम नहीं सुनाते बल्कि यसु मसीह का कलाम सुनाते हैं ताकि रूहें नजात पाए बरकत पाए और खुदा के खादम आज उनके कानों को जो है वो यसु मसीह के कलाम से खोल रहे हैं यीशु मसीह के कलाम से उनको उनके क्रहानी कानों को जो है वो खोल रहे बंद कान खुल जाते हैं जब लोग अपने आप को खुदांद की तरफ मायल करते हैं और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे खादम की सुनता है वो मेरी जो उसको रिजेक्ट करता है वो मुझे रिजेक्ट करता है और आज जो खादम सदाकत के साथ कलाम सुनाते हैं उनकी सुने और अपने कानों को उनकी तरफ मायल करें ताकि वो अपने आपके कानों को खुदा मुद्द मसीह की तालीम से भरें आप बरकत पाएं और जिंदगी को हासिल करें और एक और तालीम हमें मिलती है बाउंड सेंटमेंट के ताल्लुक से पुराने में कि इसराइल में कानून था कि अगर कोई कोई शख्स या औरत औरतमी में जाते थे तो एक लॉ था कि छह साल वो काम करें और सात साल सातवें साल के बाद उनको रिहा कर दिया जाए लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं अपने मालिक से मोहब्बत करता हूं उसके खानदान से तो वो कहे वो जाना ना चाहे तो वहां पर कानून था कि वो उसको खुदा के पास लाए और दरवाजे पर दरवाजे की चौकट पर उसके कान को छेद दे और इस तरह से वो हमेशा जो है वो उस शख्स का जो था वो गुलाम बंद कर रह सकता था यानी उसके कानों को छेदा जाता था और निशान लगाया जाता था कि ये जो शख्स है ये अपनी मर्जी से अपनी मोहब्बत जो उसको इस शख्स से थी वो उस मोहब्बत में जो है वो इसको छोड़ना नहीं चाह रहा तो पलूस रसूल कहता है कि मैं खुदा का बंदा हूं। हालांकि खुदा यस्सु मसीह ने उसको आजाद किया हम सबों को आजाद किया तो भी पालूस रसूल कहता है कि मैं यस्सु का बंदा बंदे का मतलब है बॉन्ड सर्वेंट और इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वह डुलोस सर्वेंट ऐसा गुलाम जो जूतियों का तस्मा खोलने, खोलने वाला हो इंतहाई नीचे दर्जे का गुलाम पलूस रसूल यह कहता है कि मैं वो हूं पतरस भी यह कहता है पलूस रसूल कहता है गो उसने आजाद किया है मुझे तो भी मैं उसका गुलाम बल्कि बॉन्ड सर्वेंट बनकर रहूंगा उसकी खिदमत करूंगा उम्र भर मैं उसकी राहों पर चलूंगा और उसके से काम करूंगा यानी कानों को छेदना जो है वो ताबेदारी के अमल में आता है और रूहानी तौर पर पालूस ने अपने कानों को छेदा ताकि वो हमेशा तक मसीह का गुलाम रहे और उसकी ताबेदारी के अंदर जो है वो जिंदगी बसर करे वो कहता है कि अब कोई मुझे तकलीफ ना दे क्योंकि मैं यस्सु के जख्मों को यस्सु के जख्मों को अपने ऊपर लिया हुआ फिरता हूं जख्मों से मराद स्टिग्मा मार्क किसका जीसस का मार्क जिस तरह उस शख्स का कान उस गुलाम का छेदा जाता था निशान लगाया जाता था कि अपने मालिक का हमेशा जो है वो गुलाम रहेगा उसको ये मोहब्बत है अपनी मर्जी से वॉलंटियरली इसी तरह पलूस भी कहता है कि मैं युसु के जख्मों को उसके स्टिग्मा को उसके निशान को अपने ऊपर लिए हुए फिरता हूं जो कोई इन निशानों को देखता है वो ये जानता है कि पलूस यसु मसीह का गुलाम वॉलंटियरली उसका उसने अपने कानों को अच्छेदा हुआ है कि वो गुलाम बने और हमेशा युसु मसीह की ताबेदारी करे आज हम जो सुन रहे हैं क्या हम पलूस की मानित बन सकते हैं जी हां बन सकते हैं अगर आप वॉलंटियरली आए कहें खुदा मैं तेरा बंदा तेरी बंदी हूं मैं तेरा हूं। तो आप जो है आपकी जिंदगी जो है वो ताबेदारी के अंदर जो है वो होनी चाहिए इसके साथ लफ्जों से नहीं बल्कि अमलन तौर पर आप खुदा के कलाम पर अमल करें उसकी राहों को अपनाएं यसु मसीह की ताबेदारी में चलें तो फिर उसके बंदे और बंदियां आप कहलाएंगे अदरवाइज नहीं यस्सु के निशानों को यस्सु के स्टिग्मा को अपने ऊपर लें अपने कानों को छेद दें और यह जाहिर करें कि आप यस्सु मसीह के बंदे और बंदियां आप यस्ु मसीह के बाउंड बॉन्ड सर्वट हैं, जो हमेशा उसकी खिदमत करेंगे जो हमेशा उसकी ताबेदारी के अंदर जो है वो चलेंगे और मसीह ने कहा कि मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती यानी वो लोग जिन्होंने अपने कान खोले हुए हैं वो यसु मसीह की भेड़े जो ईमान लेकर आई हैं वो मसीह के पीछे पीछे चलती और याद रखें भेड़े हमेशा अपने चरवाहे की आवाज को सुनती अगर कोई और चरवाहा उनको आवाज़ देगा तो उनको नहीं आएगी यानी अगर अबलीस हम जो यस्सु मसीह की भेड़े हमें आवाज देगा बुलाएगा तो हमें उसकी आवाज़ की समझ नहीं आएगी और भेड़ें पहचान लेती हैं कि उनके चरवाहे की आवाज़ कैसी है इसलिए खुदा यस्सु मसीह कहता है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं मैं उनको जिंदगी बख्शता हूं और कोई उनको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता यानी कलीसिया खुदा मंद मसीह की भेड़े हैं उसका गल्ला है जो उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे पीछे चलता है और हमेशा वो जिंदगी में रहेगा वो हिफाजत में रहेगा वो प्रोटेक्शन के अंदर रहेगा क्योंकि मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता कोई उनको हलाक नहीं कर सकता हलाकत उनके लिए नहीं है उनके लिए हमेशा की जिंदगी है क्योंकि वो मेरी आवाज को सुनते हैं और मसीह जो हमारा चरवाहा है कलिसिया का चरवाहा है कलिसिया के अंदर कलिसिया के लोग जो उसके पीछे पीछे चलते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे लेकिन बाज लोग ऐसे भी हैं जो कलिसो में आप बैठते हैं लेकिन मसीह की भेड़ें नहीं है, क्योंकि वो मसीह की आवाज को नहीं पहचानती मसीह के पीछे नहीं चलती मसीह की ताबेदारी के अंदर नहीं चलती बल्कि वो अपने चरवाहे अब्लीस के पीछे चलती हैं उसकी आवाज को फॉलो करती हैं याद रखें अगर आप मसीह की भेड़ हैं, तो आप सुनने वाली होंगी मसीह की आवाज अगर नहीं तो फिर आप अब की हैं और आपकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके लिए कोई जिंदगी की राहें नहीं है इसलिए आपने आपको चेक करें यसु की भेड़ है तो यस्सु की आवाज सुनेगी अगर नहीं तो आप नहीं सुनेगी अगर कोई भेड़ भटकी हुई है आज और वो यस्सु मसीह की आवाज को नहीं सुन रही और इस कलाम को वो देख रही है तो ये आवाज ये कलाम जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ये यसु मसीह की आवाज आप तक पहुंचा रहा हूं तोबा करें आ जाए गले में शामिल हो जाए यसु मसीह की भेड़ों में मैं मिल बैठे और वो जो है आपको हरी हरी चरागाहों में ले जाएगा आपका काम ये है कि आप सुने ताबेदारी और उसको सुनना है यानी यसु मसीह को लिसन टू हिम उसको सुने और ताबेदारी में चले और यकूब कहता है कि वो जो शख्स आजादी की कामि शरीयत पर नजर करता रहता है वो इसलिए बरकत को पाता है क्योंकि वो कलाम को सुनता है उसको भूलता नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाला है अगर आप बरकत पाना चाहते हैं रूहानी बरकत पाना चाहते हैं हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो लिसन टू हिम उसकी सुने उसकी आपको सुनना होगी जिस तरह मोसिस ने कहा कि उस नबी की तुम सुनना पतरस ने वो हवाला कोड किया और कहा कि उस नबी की तुम सुनना यानी यीशु मसीह को सुनने वाले जो हैं वो हमेशा की जिंदगी में और प्रोटेक्शन के अंदर और इकबाल मंदी और खुशहाली की जिंदगी बसर करेंगे खुदाउंद आपको बरकत दे आज की डिवाइन डायरेक्शन लिसन टू तो हिम उसको सुनना से आपने कसरत के साथ बरकत पाई होगी और मेरा ईमान है कि बहुत सी रूहों ने आज तोबा की है जो उसके गला से भटकी हुई थी और उन्होंने तोबा की है कि वो अब से अपने चरवाहे युसु मसीह की आवाज़ को सुनेंगी और उसके पीछे पीछे चलेंगी इसी तरह अगली रात को हम एक नई डिवाइन डायरेक्शन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए गॉड यू